राजा तो राजा ही ठहरे। उन्होंने अकड़ी हुई भाषा में कहा, लंग धड़ंगे तुम पहचानते हो मुझको, मैं कौन हूं? साधु भगवान का, हाँ पहचानता हूं। एक दिन तुम अपने पिता के शरीर में वीर्य रूप में थे, फिर तुम अपनी माता के गर्भ में आए। गर्भ में भी एक दिन दो दिन बीतते बीतते 9-10 महीने बीत गए। उल्टे टांग टंगे हुए तुम थे, तुम्हारे दोनों पांव ऊपर थे और सिर नीचा था, और तुम्हारा मुंह कहाँ था? तुम्हारी माँ का जो पखाना पेशाब का स्थान है वहां तुम्हारा मुंह था। तुम्हारा शरीर कहाँ था? जहाँ पखाना पेशाब रक्त लार कफ आदि भयानक चीजों से भरा हुआ स्थान था, उसमें तुम थे। उसके कीड़े तुमको काटते थे, छटपट छटपट तुम करते थे तो तुम्हारी माँ के पेट में दर्द हो जाया करता था। तुम्हारी माँ खट्टी चीज खाती थी, तीखी चीज खाती थी, नमकीन चीज खाती थी, चटपटी चीज खाती थी, तो उससे तुम्हारे शरीर में ऐसी जलन होती जैसे कोई छुरे से काटा हो। उस स्थिति में तुम थे, मैं जानता हूं। तो पहुंचाया गया कुछ भी नहीं। 1, 2, 3, 4 कई दिन बीत गए, भूखे प्यासे रहकर बेचारे का राम नाम सत्य हो गया। एक दिन ऐसा भी होने वाला है, वही तुम हो, पहचानता हूं। कंधे पर उठा करके ले जाया जाएगा शमशान घाट। तुम्हारे साथी संगी लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, यही सबका गत है, ये सुनाते हुए चले जाएंगे। इतना तक तो मैं जानता हूं, उसके बाद तुम कौन हो सबको। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहन, अभी आप लोग पूर्व वक्ता से एक राजकुमार की गाथा सुन रहे थे। यह गाथा बहुत उपदेशप्रद है। अब एक राजा की भी गाथा सुन लीजिए। एक राजा था, वह शिकार खेलने के लिए जंगल गया। घूमते घूमते वह राजा एक साधु की कुटिया के पास पहुंचा। साधु तो साधु ही ठहरे, उसमें भी जंगल में रहने वाले नंग धड़ंग पड़े हुए थे, भगवत चिंतन में लीन रहते थे। राजा वहां उपनीत होते हैं, किंतु न तो राजा साधु को प्रणाम करते हैं, न साधु उनके प्रति कुछ आशीर्वचन आदि कहते हैं। राजा तो राजा ही ठहरे। उन्होंने अकड़ी हुई भाषा में कहा, लंग धड़ंगे तुम पहचानते हो मुझको, मैं कौन हूं? साधु भगवान का, हां पहचानता हूं। एक दिन तुम अपने पिता के शरीर में वीर्य रूप में थे, फिर तुम अपनी माता के गर्भ में आए। गर्भ में भी एक दिन दो दिन बीतते बीतते 9-10 महीने बीत गए। उल्टे टांग टंगे हुए तुम थे, तुम्हारे दोनों पांव ऊपर थे और सिर नीचा था, और तुम्हारा मुंह कहाँ था? तुम्हारी माँ का जो पखाना पेशाब का स्थान है वहां तुम्हारा मुंह था। तुम्हारा शरीर कहाँ था?
जहां पखाना पेशाब रक्त लार कप आदि भयानक चीजों से भरा हुआ स्थान था, उसमें तुम थे। उसके कीड़े तुमको काटते थे, छटपट छटपट तुम करते थे तो तुम्हारी मां के पेट में दर्द हो जाया करता था। तुम्हारी मां खट्टी चीज खाती थी, तीखी चीज खाती थी, नमकीन चीज खाती थी, चपड़ी चीज खाती थी, तो उससे तुम्हारे शरीर में ऐसी जलन होती जैसे कोई छुरे से काटा हो। उस स्थिति में तुम थे, मैं जानता हूं। जब तुम बाहर निकले अचेता अवस्था में थे, तुमको अपने शरीर का कोई होश ही नहीं था। तुम इतने अशक्त थे कि स्वयं से तुम करवट भी बदल नहीं सकते थे। तुम्हारी आवाज बंद थी, तुमको भूख लगी या प्यास लगी तुम कुछ अभिव्यक्त कर नहीं सकते थे। हाँ, जब तुमको जोरों की भूख लगती थी या प्यास लगती थी तो तुम रोने लगते थे। तुम्हारी मां कभी दूध पिला देती थी, मैं जानता हूं तुमको। मच्छर काट रहा है, मक्खी लग रही है, भिन भिन आ रही है तुम्हारे शरीर पर मक्खी, लेकिन तुम स्वयं उड़ा नहीं सकते थे, पड़े हुए थे। वही तुम, मैं जानता हूं। जब तुम बढ़े, वो कुछ पढ़ने लिखने लग गए तो अध्यापक की डांट और फटकार भी तुमको लगती थी या तुम डरते भी थे। और कुछ बड़े हुए तो तुमसे जो बड़े थे उनसे तुम डरते भी थे, और उससे भी जो और कुछ बड़े हो गए पढ़ लिख करके तो कामासक्त हो गए, क्रोधाधीन हो गए, लोभ मोह आदि तुमको माया में अपने में समेट लिया। तुमने विवाह किया और अपनी पत्नी के 24 घंटे गुलाम बने रहे, मैं पहचानता हूं तुमको। जब तुमको बाल बच्चे नहीं थे तब साधु के महात्मा के पीर के पैगंबर के दरवाजे दरवाजे खटखटाते थे, जवानी में तुमने क्या क्या किया सब तुम जानते हो, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुमको कोई पूछेगा तक नहीं। सुनो, एक बहुत धनी आदमी थे, उनके 5 बेटे थे, कारोबार बहुत फैला हुआ था। उसके 5 बेटे हो तो 5 बहुएं हो गई, बेटियां भी उनकी थी तो पोते और नाती से घर भर गए, कायमाएं बच्चे सब करते थे। तो तुम तो बुढ़े हो गए थे ना, बहुत बेचारा बुढ़ा हो गया, वो सुहाता नहीं था। तो मेरे बेटे से कहते थे, बेरोज कहते थे, तुम्हारे बच्चे से इतने हल्ला क्यों कर रहे हैं, बताओ उसको। तुम्हारी उसकी बहुएं आकर के अपने पति से कहती ये ऐसे ऐसे बूढ़ा बोल रहे हैं, तो ये बच्चे सब हैं, मैं क्या करूंगी, बच्चे उछलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, धूपेंगे नहीं, तो मैं क्या करूंगी। तो बच्चों को तुम्हें हटा नहीं सकती, यह कीजिए कि बूढ़े बाबा को ऊपर 3 मंजिल पर रख दीजिए, वहां कोई बच्चा जाएगा नहीं, आराम से रहेंगे। एक घड़ा पानी वहां रख दीजिए, जब उनकी इच्छा होगी पानी पिएंगे, और एक घंटी उनको दे दीजिए कि जब भूख लगे तो घंटी बजाएंगे, जाकर हम लोग तो 5-6 ही हैं, जाकर खिला दूंगी उनको, चाहे नौकर के द्वारा नौकरानी द्वारा भेजवा दूंगी।
तो बेचारे करते क्या, पर ठीक है वैसा ही सही। जाकर तीसरे मंजिल पर उनको रख दिया गया, रह रहे हैं। जब भूख लगती तो घंटी बजाते, यहां से कोई कुछ लेकर के जाकर दे दे, खिलाने पिलाने खाते कर। संजय से उनकी लड़की आई ससुराल से बहुत दिनों के बाद, तो पिताजी कहां, तो पिताजी ऊपर तीसरी मंजिल पर है। चली गई भेंट करने के लिए, उसके साथ में एक छोटा बच्चा उसका था। तो बच्चे की माँ तो अपने बाप से बात कर रही थी, और बच्चा जो था वहां पर जो घंटी रखी हुई थी वो उठा लिया, टूं टूं करके उसको आवाज मालूम पड़ी, बड़ा अच्छा लगा उसको। घंटी उठा करके माँ के साथ में चला आया। अब ऊपर में घंटी है नहीं, बजाएगा कौन, आवाज होगी कहाँ से, खाना पहुंचेगा कहाँ से। अब उसके मन में होने लगा, लोगों के मन में चार पांच क्या कहते वे लोग थी ना, तो उसके मन में वो पहुंचा दी होगी, चाहे वो पहुंचा दी होगी, चाहे वो पहुंचा दी होगी। और पहुंचाया गया, कुछ भी नहीं। एक दो तीन चार कई दिन बीत गए, भूखे प्यासे रहकर बेचारे का राम नाम सत्य हो गया। एक दिन ऐसा भी होने वाला है, वही तुम वो पहचानता हूं। कंधे पर उठा करके ले जाया जाएगा श्मशान घाट, तुम्हारे साथी संगी लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, यही सबका गत है, ये सुनाते हुए चले जाएंगे। इतना तक तो मैं जानता हूं, उसके बाद तुम कौन हो सको। राजा अवाक हो गया, कोई जवाब नहीं था। है क्या यह जीवन, है क्या देख रहे हैं, देखते देखते कहां विलीन हो जाए कोई ठिकाना नहीं। कितना भी कोई ऐश्वर्य हो कुछ, इसी सुभाषितकार ने कहा है, असन के लिए नाना प्रकार के अन्न मेवा मिष्ठान दुग्ध घृत आदि से भरा हुआ भंडार हो, वसन के लिए जाड़ा गर्मी वर्षा आदि ऋतुओं ऋतुओं के अनुरूप ऊनी सूती मलमल मखमल आदि वस्त्रों का आगार हो, अयन के लिए गगन चुंबी अट्टालिका हवादार और खिड़कीदार हो, शयन के लिए दुग्ध फेन के समान सुकोमल स्प्रिंगदार और गद्दादार शयन कक्ष हो, भवन में कामिनी के कनक कंकर और नूपुर की झनकार हो, बच्चों की किलकार हो, भ्रमण के लिए सर्वश्रेष्ठ वातानुकूलित कार हो, घर में सोना चांदी हीरे जवाहिरात की टनकार हो, मन बहार के लिए दरबार के सामने ही खिले अधखिले फूलों की कतारें हजारों हजार हो, पद प्रतिष्ठा और पैसे के कारण संसार में जय जयकार हो, किंतु यदि अपना भीतर अंधकार हो तो सारा भविष्य हाहाकार हो।